दोस्तों चलिए आज हम लोग नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बीपीएससी एग्जाम के लिए वह है जनगणना। जनगणना से लगभग क्वेश्चन प्रत्येक साल कुछ ना कुछ एक आ ही जाता है, ठीक है। तो चलिए उसको हम लोग एक ओवरव्यू के टाइप में देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसको एक बहुत ही अच्छे टेबलर के फॉर्म में हम लोग इंडिकेट किए हैं। सबसे पहले इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट नोट्स सब होता है, फैक्ट सब होता है, वो यहाँ पे है। और उसके आगे जो है कि इस तरह से देख रहे होंगे कि 2011 की जनगणना में कुछ आधार के बेसिस पे हम लोग डिस्कस किए हैं, जैसे जनसंख्या हो गया, जनसंख्या घनत्व हो गया, लिंगानुपात हो गया, साक्षरता, ग्रामीण शहरी, दस की वृद्धि, ये सब के आधार पर, ठीक है, ये सब के आधार पर जो है कि हम लोग एक टेबलर फॉर्म में सबको देखते हैं क्या है नहीं है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आधार ले लिए हैं, जनसंख्या, पुरुष, महिला, ग्रामीण शहरी, लिंगानुपात, वही भारत में क्या है और भारत के साथ उसका बिहार में क्या पोजीशन है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक टेबल फॉर्म में सबको देखेंगे तो ताकि एक मतलब कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ओवरव्यू और अच्छा से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक से दो बार अगर देख लेते हैं आप एग्जाम जाने से पहले, तो मेरे ख्याल से आपका एक मार्क्स जरूर सिक्योर हो जाएगा 100% के साथ, ठीक है। जनसंख्या का टॉपिक जो होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग कुछ फैक्ट जानते हैं। तो देखिए भारत की जनगणना का विषय संघ सूची में आता है, मतलब संघ सूची, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि पावर का सेपरेशन शेड्यूल 7 अनुसूची 7 में शक्तियों का विवरण दिया गया है, ठीक है, जिसमें कि राज्य सूची है, समवर्ती सूची है और संघ सूची है, ठीक है। तो स्टेट का हो गया और ये जो है कि ये सेंट्रल का हो गया। तो इसमें क्या होता है, कुछ कंक्रीट का हो गया, तो सबका अलग अलग जो होता है लॉ, रूल, रेगुलेशन बनाने का अलग अलग पावर दिया गया है। तो उसी तरह जो जनसंख्या है, जनसंख्या जो है वह केंद्र का विषय है, ठीक है। यहाँ क्लियर मेंशन किया है ये किसका विषय सूची है, संघ सूची है, ठीक है। भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार जनगणना का कार्य संघ सरकार द्वारा किया जाएगा। क्लियर है यहाँ पे किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 246 में। तो जनसंख्या किस सूची का विषय है, सातवीं संघ सूची का विषय है, ठीक है। तो यहाँ से एक और चीज़ हमको ध्यान रखना होगा कि अनुसूची जो है वो क्या चीज़ है, सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या है। भारत में पहली बार आंशिक जनगणना, ध्यान दीजिएगा आंशिक पूछा जा रहा है, बोल रहा है आंशिक जनगणना तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुआ था, ठीक है। पहले स्टार्ट कर दिया, भले वो रेगुलर हो या नहीं हो मतलब नहीं है, लेकिन सबसे फर्स्ट में जो स्टार्ट किए थे तो उसको उसका नाम क्या हो गया, लॉर्ड मेयो। तो भारत में सबसे पहली बार जनगणना का प्रारंभ हुआ था 1872 में, ठीक है। लेकिन 1881 में जो है कि पहली बार लॉर्ड रिपन द्वारा नियमित प्राधिकृत रूप से जनगणना कराया जाने लगा। देखिए यहाँ पे लॉर्ड मेयो जो थे, लॉर्ड मेयो क्या हो गया, पहली बार चलो स्टार्ट कर दिए, रेगुलर हो गया नहीं होगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन नियमित रूप से लॉर्ड रिपन द्वारा 1881 में प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पहले भारत के पहले जनगणना आयुक्त थे वो थे हेनरी प्लाउ डेन थे, ठीक है। भारत में जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक या जनगणना आयुक्त के निर्देश द्वारा होता है। तो अब इसमें जो है कि देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में 1911 से 1921 के दशक में निम्न वृद्धि दर न्यूनतम रही। यह वर्ष महाविभाजक वर्ष, ये ध्यान देना है, महाविभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अब ये होता क्या है, देखिए एक्चुअली होता है कि आपको पता है जब ये हर 10 साल में काउंट किया जाता है, तो हर 10 साल में जब काउंट किया जाता है इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ वृद्धि होगा। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि जनगणना 2011 और 21 में
जनसंख्या बढ़ने की वजह से, जनसंख्या क्या हो गया, बढ़ने की वजह से या बढ़ने की वजह के क्या हो गया, इसमें डिक्रीज हो गया, इंक्रीज होने के बदले या इसमें क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सा हो गया महाविभाजक वर्ष, 1921 का जनगणना जो हुआ था उसमें क्या बोला जाता है, महाविभाजक वर्ष। क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसमें जनसंख्या बढ़ने की वजह वहां पे घट गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 1991 में जन वृद्धि दर अधिकतम रही, इस वर्ष को लघु विभाजक वर्ष, माइक्रो डिवाइड ईयर कहा जाता है। अर्थात इसमें जो है कि जनगणना 1951 का जो हुआ था काउंटिंग, उसमें वृद्धि दर बहुत ही ज़्यादा हुआ था। ठीक है, जन दर बहुत ज़्यादा हुआ था, जिसके वजह से इसको लघु विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। तो देखिए, आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 में कराया गया था। ठीक है, इसमें जो है कि देखिए, जनगणना जब होता है तो उसमें कुछ सवाल पूछा जाता है, क्या प्रॉपर्टी है, क्या है नहीं है आपके पास, जो भी है। तो उस समय में मात्र 14 सवाल थे। ठीक है, 2011 की जनगणना था, उसमें मात्र 14 सवाल था। वर्ष 2001 की जनगणना भारत की पहली पूर्ण कंप्यूटरीकृत जनगणना है। ठीक है, मतलब 2001 में जनगणना हुआ था, वो पहली बार कंप्यूटराइज हुआ था। नेक्स्ट है, इसमें वर्ष 2011 में कराई गई जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है, तथा आज़ादी के बाद की भारत की 7वीं जनगणना है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, 1881 में स्टार्ट हो गया, उस समय से काउंट कीजिएगा तो यहाँ पे 15वीं जनगणना हो जाएगा, 1951 से जब स्टार्ट काउंट कीजिएगा तो यहाँ पे 7वीं जनगणना हो गया। ठीक है, जब 2011 में जनगणना हुआ था तो उस समय कुल 29 सवाल था। ठीक है, और उस समय जो जनगणना आयुक्त थे, 2011 के जनगणना आयुक्त थे, वो कौन थे, चंद्र मौली। ठीक है, श्री चंद्रमौली साहब थे। तो ये तो फैक्ट हो गया। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट पॉइंट। देखते हैं आज जो है नेक्स्ट जो है कि क्या कहते हैं, जो हम लोग डिवाइड किए थे आधार के बेसिस पे, जैसे पुरुष हो गया, महिला हो गया, उसके आगे यहाँ पे भारत है, और भारत के साथ साथ उसका बिहार में भी क्या पोजीशन है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है, सबसे पहले जनसंख्या, तो भारत का जनसंख्या कितना है, 121 करोड़। कितना जनसंख्या भारत का, 121 करोड़ है, जिसमें कि सबसे टॉप स्थान पे कौन है, यूपी, उत्तर प्रदेश, जी हाँ, योगी महाराज के शहर, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। उसके बाद जो है कि महाराष्ट्र, तब थर्ड में है बिहार। ठीक है, भारत में ये है फर्स्ट 3 पोजिशन। अगर वही हम बिहार की बात करें तो बिहार में है 10,40,99,452। ये हो गया बिहार का जनसंख्या, कितना है, 10,40,99,452, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है बिहार में वो है पटना, पटना का पोजीशन फर्स्ट है, और सबसे लास्ट जो अंतिम पायदान पे है वो है शेखपुरा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या, तो प्रतिशत में सिर्फ इंडिकेट कर दिए हैं, पुरुष का जो जनसंख्या है भारत में वो है 51.47%। ठीक है, और फीमेल का जो जनसंख्या है 48.53% है, कहाँ पे है, ये भारत की होगी। ठीक है, भारत में मेल कितना है 51.47%, और ये फीमेल की जनसंख्या है 48.53%। अगर हम बिहार की तरफ चलें तो बिहार में देखिए, मेल की जनसंख्या है 52.14% और फीमेल की जनसंख्या है 47.86%। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं स्थानीय, देखिए इंडिया क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, और इसमें ये इसमें देखिए ग्रामीण और शहरी कितना लोग निवास करते हैं नहीं करते हैं उसका देखते हैं, जैसे ये ग्रामीण और यहाँ पर शहरी। तो सबसे पहली बार पहले जो है ग्रामीण की बात करते हैं, तो भारत में जो है 68%, ध्यान दीजिए यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं,
भारत में 68% जो है कि ग्रामीण में निवास करते हैं, ठीक है। 68% कहाँ पर निवास करते हैं? ग्रामीण में, ठीक है। और 31.2% ही आदमी शहर में रहता है, ठीक है, क्लियर होगी यहाँ पे। अब देखिए इसमें क्या है कि जो 68% जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है तो उसमें भी सबसे ज़्यादा भारत का राज्य में जो है किसमें ग्रामीण में रहता है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो है सर्वाधिक ग्रामीण निवास में रहता है। अगर वही हम शहर की बात करें तो सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ पे है? ये गोवा में, मतलब गोवा में सर्वाधिक आदमी जो है कहाँ पर रहता है? वहाँ पे शहर में रहता है, ठीक है। अगर अब बिहार में हम बात करें तो बिहार में ग्रामीण संख्या हो गया 88.7%, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये किसका है डाटा है? ये बिहार का है। बिहार में कितना परसेंट ग्रामीण है? तो 88.87%। और वही शहरी जनसंख्या की हम बात करें तो 11.3% रह गया, ठीक है। तो अब देखिए बिहार में सबसे अधिक किस डिस्ट्रिक्ट में ग्रामीण में रहता है आदमी? वो हो गया समस्तीपुर में। और शहर की बात करें तो स्वाभाविक है जनसंख्या शहरी जो क्षेत्रफल है, सॉरी राजधानी जो है पटना, वहाँ पे ज़्यादातर आदमी शहर में रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट है लिंगानुपात। लिंगानुपात मतलब क्या हो गया? प्रति हजार पुरुष पे 1000 पुरुष पे फीमेल का नंबर जितना भी होगा उसको लोग बोलते हैं लिंगानुपात। तो भारत का जो लिंगानुपात है वह है 943 है। कितना है भारत का लिंगानुपात? 943 है। अब इस 943 में देखिए सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट जो किसका पोजीशन है, तो यहाँ पे केरल जो है सर्वाधिक शिक्षित वाला भी राज्य है और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला भी राज्य है। मतलब क्या हो गया यहाँ पे देखिए 1084/1000, मतलब क्या हो गया यहाँ पे 1000 फीमेल्स जो होता है वो यहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात है, कहाँ पे है? केरल राज्य में है। वही हम कम लिंगानुपात की बात करें तो कहाँ पे है? हरियाणा में। ये डाटा मिस्टेक है, 972 नहीं होगा, यहाँ पे है 879 होगा, ठीक है। कहाँ पे सबसे कम है लिंगानुपात? वो है हरियाणा में, क्लियर हो गया। तो देखिए यहाँ पे हाँ ये जो लिंगानुपात था ऊपर वाला वो एडल्ट का है, ठीक है। अगर हम बिहार में बात करें तो बिहार में कितना है? 918/1000 पुरुष, ठीक है। तो बिहार में सर्वाधिक कौन सा लिंगानुपात वाला राज्य है, सॉरी जिला है? वो है गोपालगंज। गोपालगंज में कितना है? 1021/1000 है, ठीक है। तो बिहार में कितना है लिंगानुपात? 918 है, जिसमें कि सर्वाधिक किस शहर में है, जिला में? गोपालगंज में। और सबसे कम कहाँ पे है? वो है मुंगेर में, ठीक है। ये तो एडल्ट वाला हो गया लिंगानुपात। वहीं दूसरी ओर हम शिशु लिंगानुपात के बारे में बात करें, मतलब बच्चे 1 से 5 ईयर तक का, 6 ईयर तक का, तो भारत में जो उसका पोजीशन है वो है 918, ठीक है। शिशु लिंगानुपात कितना है भारत में? 918 है, ठीक है। जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक है, कितना है? 972 है, ठीक है। शिशु लिंगानुपात किस राज्य में ज़्यादा है? वो है अरुणाचल प्रदेश में। और हरियाणा में सबसे कम है, वो है 834 है, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब अगर हम बिहार की ओर आते हैं तो देखिए बिहार में जो है कि शिशु लिंगानुपात सबसे अच्छा है, कितना पहले? वो है 935 है, ठीक है, 935 है। लेकिन सर्वाधिक किस जिला में है? वो है किशनगंज में, कितना है? 971 है, ठीक है। क्लियर हो गया आपका कि शिशु लिंगानुपात बिहार में कितना है? 935। देखिए ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर 65th BPSC में आया था, ठीक है। बिहार का जो शिशु लिंगानुपात कितना है? 935 हो गया। और वहीं सबसे सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिला में है? मुंगेर में, सॉरी किशनगंज में। और सबसे कम किस में है? वैशाली में। यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए लिंगानुपात
तो एडल्ट की हम लोग बात करें तो 943 है भारत का, जिसमें कि केरल में सर्वाधिक है 1084, और सबसे कम कहाँ पे है हरियाणा में 879। वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार का लिंग अनुपात कितना है, 918 है, जिसमें कि सर्वाधिक है गोपालगंज में और सबसे कम है मुंगेर में। अगर शिशु लिंग अनुपात की बात करें तो जिसमें कि यहाँ पे देखिए 918 है, और सबसे ज़्यादा जो है किसमें है अरुणाचल प्रदेश में 972, और सबसे कम है आपका हरियाणा में। ठीक है, सबसे कम है आपका हरियाणा में। अगर हम बिहार में शिशु लिंग अनुपात की बात करें तो यहाँ पे 935 है, और सर्वाधिक है किसमें, किशनगंज में 971। ठीक है, और सबसे कम कहाँ पे है वैशाली में। ठीक है, ये होगी क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं, दूसरा जो आधार है हम लोग का डिवीजन का वो है घनत्व। तो देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें आता है, ये क्वेश्चन जो आया है, हालांकि जितना भी पॉइंट लिखे हैं सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी सिलेबस क्वेश्चन आए हैं। तो अब घनत्व की बात करें तो घनत्व क्या हो गया, प्रति वन ये जो इस 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में जो जितना भी जनसंख्या रहता है, जितना भी पॉपुलेशन रहता है, उसको हम लोग घनत्व बोलते हैं। अब देखिए घनत्व में जो है कि भारत का घनत्व कितना है, 382 आदमी रहता है प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में कितना आदमी रहता है, 382। लेकिन वहीं अगर सबसे ज़्यादा, सिर्फ सबसे ज़्यादा बात करें, मतलब कि कम क्षेत्रफल पे ज़्यादा से ज़्यादा आदमी किस राज्य में रहता है, तो हो गया बिहार का। ध्यान दीजिएगा इसमें सिर्फ राज्य का है, अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला देंगे तब तो वो हो जाएगा दिल्ली, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपका किसका है राज्य का। तो राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका हो गया, बिहार का, कितना है वह 1106। ठीक है, और वहीं अगर सबसे कम हम लोग बात करें तो सबसे कम कहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश में, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व कितना है, घनत्व हो गया 382। अगर हम वही बिहार में बात करें तो बिहार में कितना है जनसंख्या घनत्व, तो ये देख लीजिए 1880 हो गया। ठीक है, जिसमें कि ये जो सॉरी यहाँ पर बिहार का, तो ये बिहार का जनसंख्या कितना हो गया 1086, 1106 हो गया। लेकिन अब बिहार में जो सर्वाधिक है, बिहार में सर्वाधिक किसका है, शिवहर का, शिवहर में कितना है 1880 हो गया, और सबसे कम कौन सा हो गया कैमूर, कैमूर में कितना है 488 है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यहाँ देखिए ये 1880 जो है वो शिवहर का है, और 488 जो है कैमूर का है। मतलब सिंपल ये रहा, बिहार में सबसे ज्यादा घनत्व वाला जिला कौन सा है, शिवहर है, और सबसे कम वाला कौन सा है, कैमूर है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है हम लोग का पॉइंट है वो है दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि क्या होता है, देखिए जनगणना तो हर 10 साल में होता है, 2001 में हुआ तो 2011 में होगा हुआ था। ठीक है, तो अब यहाँ पे जनसंख्या मान चलिए यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे मान लेते हैं 100 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है यहाँ पे आ गया 150 हो गया, तो यहाँ पे 50 बढ़ गया। ठीक है, 50 पर जब बढ़ गया तो इसी को बोलते हैं 10 साल में कितना बढ़ा है, तो यही आपका हो गया दशकीय वृद्धि। तो दशकीय वृद्धि जो है यहाँ पे देखिए परसेंट में इंडिकेट किया हुआ है, तो भारत में कितना इंडिकेट इंक्रीज हुआ है दशकीय वृद्धि में, 17.7% भारत में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, दशकीय वृद्धि भारत में कितना इंक्रीज हुआ है, 17% हुआ है। और वहीं सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो किस में इंक्रीज हुआ है, मेघालय में कितना हुआ है, 27.9% के साथ इंक्रीज हुआ है। सबसे ज़्यादा दस की वृद्धि किस में हुआ है, मेघालय में हुआ है, कितना हुआ है 27.9। और सबसे अगर हम लोग कम की बात करें, जो सबसे कम की बात करें तो वह है नागालैंड, ये माइनस में इसका हुआ था, इसका बढ़ा ही नहीं है। ठीक है, उल्टा घट ही गया था। चलिए अब बिहार की तरफ देखते हैं, तो बिहार का जो दशकीय वृद्धि था वो है 25.4%। बिहार का दशकीय वृद्धि कितना है, 25.4%, जिसमें कि सर्वाधिक
वृद्धि करने वाला जिला जो है कौन सा है, शेखपुरा है, और सबसे कम वृद्धि करने वाला जो जिला है वह है गोपालगंज है। 10 की वृद्धि में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है, मधेपुरा, और सबसे कम गोपालगंज। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसमें साक्षरता, लिटरेसी रेट कितना है, नहीं है, तो भारत का कितना है, 73% है, बिहार का, सॉरी भारत का साक्षरता दर कितना है, 63% है, जिसमें कि सबसे टॉप पे है कौन सा है, केरल है, और सबसे लास्ट में है अपना बिहार। ठीक है, अगर इसमें हम मेल की बात करें तो मेल में भी देखिए, मेल सबसे 80.9% के साथ केरल है आगे, और लास्ट में कौन है, बिहार है। फीमेल में देखिए, फीमेल में भी वही बना हुआ है, 64.6% के साथ केरल बढ़ा हुआ है, और लास्ट में जो है बिहार है, मतलब केरल सब चीज में आगे है। तो अगर हम बिहार की और तरफ जो है, तो बिहार में देखिए साक्षरता रेट कितना है, 61.8% है। ठीक है, बिहार का जो साक्षरता दर है वो 61.8% है, जिसमें कि सबसे टॉप नंबर पे, सो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट वो एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट है वो है रोहतास। रोहतास सबसे फर्स्ट में है, और पूर्णिया, पूर्णिया जो है सबसे लास्ट में है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, जो एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट में सबसे टॉप पे कौन सा है, रोहतास, और ऐसे बिहार का एजुकेटेड रेट कितना है, एजुकेशन रेट है, साक्षरता दर वह है 61.8% है। इसमें अगर मेल की बात करें तो मेल जो है कि 71.2% है पढ़ा हुआ, और फीमेल जो है 51.5% के साथ हाईएस्ट एजुकेशन लिटरेसी रेट है बिहार का। ठीक है, फीमेल का। तो यही था एक टेबल है। ठीक है, इसी टेबल के फॉर्म में देखिए, इसको एक बार और देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो आराम से आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देखिए और शेयर कीजिए सभी जगह, ताकि सभी को फायदा है, और ध्यान दीजिए इसको एक से दो बार और देखिए एग्जाम से पहले, क्योंकि इससे हर साल कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है, तो संभावना है कि इस साल भी आएगा। ठीक है, तो धन्यवाद।